नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एग्जिट कहाँ पर करना है। हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पर मार्केट को छोड़ नहीं पाते, तो एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रैदर देन एंट्री। तो सारा चीज़ वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वीडियो को देख रहे हैं, कॉमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट के बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आज का ओपनिंग कैंडल है। ऊपर में डेट एंड टाइमिंग आपको शो कर रहा है, 20/9/15 को मार्केट ओपन हुआ। ब्लू कैंडल का सिग्निफिकेंट क्या है? ब्लू कैंडल का मतलब ये है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, कोई कॉल आने वाला है। अगर बाय का कॉल चल रहा था तो सेल का कॉल आएगा, अगर सेल का कॉल चल रहा है तो बाय का कॉल आएगा। तो ब्लू कैंडल बनने का मतलब ये आपको अलर्ट हो जाना है जो कोई कॉल आपको मिलने वाला है। तो देखिए, नेक्स्ट कैंडल में जो रेड कलर का एरो दिख रहा है, दिस इज अवर सिग्नल। जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा, राइट साइड में उसका वैल्यू लिख के आ जाएगा, जो 43,637 पे आज को सेल दिया था। नीचे में T1, T2, T3 टारगेट, ऊपर में स्टॉप लॉस। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ बार बार बताता हूँ, जो टारगेट को देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टारगेट बोल के कोई चीज़ होता नहीं है, हम लोग का एक सोच है। मेनली फोकस कीजिए एंट्री पे एंड एग्जिट पे। एग्जिट करने का पहले एंट्री पे देखते हैं, जो एंट्री हम लोग कैश बेसिस पे ले रहे हैं। देखिए, तीन चीज़ को आपको देखना है। सेलिंग का टाइम, नीचे का जो रिवन है उसका कलर को देखना है, वो रेड है यानी रेड है, मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट है। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन है सेलिंग का टाइम, नीचे का रिवन का कलर रेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनना चाहिए। देखिए, यहाँ ऊपर में आपको एक रेड कलर का स्टार दिखाई दे रहा है, दिस इज सेकेंड कंडीशन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन, नीचे का वाला ये ब्रिक्स इंडिकेटर। अब ये जो इंडिकेटर है इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसमें देखिए थ्री टाइप ऑफ पैटर्न आपको दिखेगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड सेलिंग के लिए, ग्रीन बाइंग के लिए, ब्लू मतलब है ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बट इसमें जो मेन फंक्शन है वो है मिडिल का ब्राउन कलर का लाइन। अगर ब्रिक्स ब्राउन कलर का लाइन का नीचे मूवमेंट कर रहा है विद रेड कलर, इसका मतलब है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिवेट है। तो ये तीन चीज़ को आपको देखना है एंट्री लेने का पहले, एक है स्टार, एक नीचे का रिबॉन, ब्रिक्स का कलर रेड होगा, ब्राउन का नीचे रहेगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच हो रहा है तो इसका मतलब है आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम लोग एग्जिट कहाँ पर करेंगे? देखिए, धीरे धीरे आप यहाँ पर टारगेट वन तक मिल गया था, ब्रिक्स का कलर जहाँ से ग्रीन होना शुरू कर दिया, इसका मतलब है समझ जाना है जो धीरे धीरे मार्केट बाइंग की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिए हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पोजिशन को आप स्क्वायर अप कर सकते हैं। अल्टीमेट देखिए, धीरे धीरे मार्केट रिवर्स हो गया, ब्लू कैंडल बना, ब्लू कैंडल बनने का मतलब ही है नेक्स्ट कैंडल पे आपको कॉल मिलने वाला है। तो कॉल भी मिल गया था यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये है, जो क्या ये बाय का कॉल सही है, इसमें ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे? वही सेम थिंग आपको रिपीट करना है। नीचे का देखिए ग्रीन जो बार है, ग्रीन हो गया मतलब बायर्स एक्टिवेट हो गया है, ब्रिक्स भी आपका फेवर में आ चुका है, बट स्टार नहीं बना है, स्टार थोड़ा लेट में बना। तो आपको स्टार के लिए वेट करना है, जब तक स्टार नहीं बनता तब तक आप कॉल कन्फर्म नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर स्टार बना है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा, अल्टीमेट देखिए मार्केट ने मूवमेंट किया है, और ये मूवमेंट कब तक करेगा? ऊपर में जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो मार्केट कितना ऊपर लेके जाएगा उसका एक अंदाजा। देखिए एग्जैक्टली कितना ऊपर जाएगा नो बडी स्नोज, ऐसा अंदाजा करना पॉसिबल नहीं है जो इतना ही जाएगा, बट आप एक अंदाजा लगा सकते हैं जो ये रेजिस्टेंस है इतना दूर तक मार्केट टानेगा। इसका अंदर जो भी कॉल मिल रहा है, जैसे ये जो सेल का कॉल है, ये सेल का कॉल फॉल्स है, बिकॉज इस सेल का कॉल का पहले देखिए कोई स्टार नहीं है, और इस टाइम नीचे का रिबॉन भी रेड नहीं था, भले ब्रिक्स थोड़ा सा नीचे आया था, अल्टीमेट देखिए ब्रिक्स ऊपर गया और यहाँ से दोबारा मोमेंटम करना शुरू किया बाइंग ट्रेंड में। अब ये जो बाय का कॉल है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो बंदा यहाँ पर निकल गया पहले पोजीशन पे, इस बाय का कॉल में वही सेम कंडीशन को रिपीट कीजिए। ट्रेंड देखिए नीचे का जो रिबॉन है ग्रीन हो चुका है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, और स्टार यहाँ पर दोबारा नहीं बनेगा क्योंकि स्टार ऑलरेडी पहले से चल रहा है। याद रखिएगा, एक बार स्टार आने के बाद अगर कोई रेड स्टार बनता है तो ही ग्रीन स्टार बनेगा, अदरवाइज वही ग्रीन स्टार को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बहुत टाइम बहुत ट्रेडर इसको भूल जाता है, जो स्टार पहले से चल रहा है और उसमें ट्रेड नहीं लेता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, स्टार अगर पहले से चल रहा है तो आप उसको कंसिडर करेंगे। तो आज का था ये फुल डे का परफॉर्मेंस, देख सकते हैं कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और लॉस से बचने का उपाय क्या है। जैसे ये जो सेल का कॉल है,
यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो आप फंस जाते हैं। यहाँ पर बचने के लिए स्टार और नीचे का रिबाउंड का जो इंडिकेटर है काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर देगा, जो समझने के लिए जो अल्टीमेट मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस मार्केट में न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू जानना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएच ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक मिलेगा, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस एलएच ब्रोकर की तरफ से फ़ोन चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक दो छोटा पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कभी कभार हम लोग फंस जाते हैं ऐसा सिचुएशन में जहाँ पर ब्रिक्स नीचे आ जाता है, तो ऐसा सिचुएशन में आप थोड़ा सा नीचे का जो रिबॉन है इस रिबॉन को ध्यान दीजिए, जो रिबॉन का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर रिबॉन का कलर चेंज नहीं है थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। कभी कभार रिस्क लेना जरूरी होता है क्योंकि विदाउट रिस्क प्रॉफिट नहीं बनता है। कभी अगर अगर दिखाई देगा जो मार्केट साइडवेज चल रहा है और मार्केट देखिए ऑलरेडी लोअर लेवल में खड़ा है, सपोर्ट के नीचे मार्केट आ चुका है, मतलब ऑलरेडी लोअर लेवल पे है, तो नीचे जाने का चांसेस कम ही है। तो ऐसा केस में थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो अल्टीमेट आपको ग्रीन दिखेगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।